हाँ तो भाई चलो 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 भाई, 24 आवर चैलेंज स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही अर्जेंट में मैं जा रहा हूँ दुबई। तो हम मुलाकात करेंगे दुबई के अंदर, और काफ़ी अर्जेंट मुझको जाना पड़ा है, सब कुछ अरेंज किया है, जल्दी से टिकट वगैरह बुक करवाइए। अभी फ्लाई एमिरेट्स के अंदर ये है और हम लोग जो है दुबई के फ्लाई एरिया जोन के अंदर पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं कि पूरा डेजर्ट नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको कुछ घर वगैरह थोड़ी देर में नज़र आएंगे, और ये तकरीबन नज़र आ चुके हैं। ये देखें ज़बरदस्त, ये सारे विलास कहलाते हैं यहाँ पे दुबई के अंदर। और ये अभी इसका एयरपोर्ट भी आप देखेंगे। दुबई के एयरपोर्ट पे हम लैंड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 1.5 घंटा 2 घंटा। तो भाई थोड़ा ऑफिस में बिज़ी है, तो मैं वेटिंग एरिया में वेट कर रहा हूँ, वो आ चुका है। तो फिर हम खाना वाना खाएंगे यहाँ से, और फिर हम निकलेंगे घर के लिए। तो खाना हम लोगों ने तकरीबन खा चुके हैं, अब घर के लिए रवानी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रात हो चुकी है। तो रात में हम लोग सो गए थे, तो टाइम नहीं मिला था, काफ़ी देर हो गई थी। तो अब सुबह उठेंगे। ये देख सकते हैं कि ये फ्लैट है हमारा, तो कैसा लग रहा है ये फ्लैट, स्टूडियो फ्लैट है और वेल फर्निश है, सारा सामान पहले से घर में था। और ये व्यू देख सकते हैं कि खिड़की के बाहर क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं। पूरी फेमस जो दुबई के अंदर बिल्डिंग है वो सारी नज़दीकी है। तो फिर हम जब निकलेंगे सुबह, अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं, तो बस जल्दी से तैयार होकर मैं बाहर निकलूँगा, क्योंकि दिन बहुत कम है मेरे पास। और ये बुर्ज अरब नज़र आ रहा है आपको, देख सकते हैं ये काफ़ी थोड़ा सा दूर है, और हम जाएंगे इसके पास, थोड़ा सी साइड पे भी जाएंगे, और आगे का सफ़र हम चलते हैं कि कितना लंबा है। अभी सुबह का वक्त है तो काफ़ी चहल पहल नहीं है, अभी ये रात में देखेंगे तो इतनी लाइटिंग होगी यहाँ पर, इतना शोर शराबा होगा, पानी का फवारे होंगे और ज़बरदस्त माहौल होता है। अभी सुबह सब कुछ बंद है, तो मुझे तो निकलना था, मुझे तो अभी 1 से 2 दिन दुबई में रहने हैं, फिर फौरन कराची जाना है। तो सारा आपको दिखा रहा हूँ, ये जुमेरा बीच का रास्ता है, काफ़ी ज़बरदस्त एरिया है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। कराची जो बर्बाद हो चुका है, तो यहाँ पर आके थोड़ा सुकून मिलता है कि भाई ज़बरदस्त एरिया है। ये देख सकते हैं कि ये हम जा रहे हैं जुमेरा बीच, ये आगे बिल्डिंग जुमेरा की, तो ज़बरदस्त व्यूज़ हैं, रात में देखेंगे तो और ज़बरदस्त लगेगा। अभी जो हम गुजर रहे हैं अटलांटिक है, काफ़ी ज़बरदस्त होटल है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जाएंगे, भाई को यहाँ पे थोड़ा काम है, तो वो थोड़ा कुछ लेना चाहेगा यहाँ से, फिर हम यहाँ से फ़ौरन निकलेंगे। हमें जाना है अभी दुबई मॉल, तो हम दुबई मॉल पहुँच चुके हैं। तो काफ़ी दुनिया का सबसे बड़ा बेस्ट मॉल है और सबसे बड़ा मॉल है, और काफ़ी एंटरटेनमेंट की जगह यहाँ पर है। ये वाटरफॉल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त है। और जैसे फीफा चल रहा है अभी, तो उसकी भी काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पर। कतर में तो काफ़ी ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे दुबई के अंदर भी काफ़ी अरेंजमेंट किया हुआ है फ़ुटबॉल के हवाले से, क्योंकि अरब कंट्री में हो रहा है तो लाजमी बात है, तो जितने भी खत्ते हैं वहाँ पर ज़बरदस्त सा जो है अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। तो हम जो है अब आ चुके हैं, पहले हम थे दुबई के थोड़ा साइड के अंदर, जहाँ पर वो समंदर साइड दिखाई देते हैं, अब हम लोग आ चुके हैं अंदर शॉपिंग मॉल के अंदर। तो काफ़ी ज़बरदस्त है, ये मेरा भाई है फराज, तो अभी यहाँ पे हम चल रहे हैं फैमिली के साथ हैं, तो आगे देखते हैं कितना ज़बरदस्त मॉल है। ये आप देख सकते हैं फूड कोर्ट है यहाँ पे पूरा, जो कराची का लकी वन जो मॉल है उसकी फ़ूड कोर्ट की याद आ गई, सेम मॉल लग रहा है यहाँ पर फूड कोर्ट एरिया के अंदर। तो हम चलते हैं थोड़ा दूसरी साइड पर, ये देखें ये व्यू देखें कैसे ज़बरदस्त है, फुटबॉल का जैसे मैंने बताया काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है इधर, ये देख सकते हैं आप ज़बरदस्त। अरे वाह भाई ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ, अरबिक डांस, और काफ़ी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं, ये देखें आप ज़बरदस्त।
दुबई मॉल तो काफ़ी बड़ा है, इसको कवरेज करने में तकरीबन एक दिन तो निकल ही जाएगा। और बहुत अच्छी लोकेशन है, और मैं भी देख रहा हूँ, जहाँ मैं सुबह जब आया था तो बिल्कुल सन्नाटे हुए थे, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ धूप ही धूप थी। और अब देखें रात के टाइम कितना ही ज़बरदस्त लाइटिंग और पब्लिक वगैरह सब कुछ आई हुई है। दिन में भी होता है लेकिन मॉल के अंदर काफ़ी रश होता है दिन के अंदर, बाहर इतना रश नहीं होता क्योंकि काफ़ी धूप हो रही होती है। अभी तो बिल्कुल ही नॉर्मल टेम्परेचर है और ज़बरदस्त सा माहौल है, सारे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं यहाँ से थोड़ा निकल के थोड़ा बाहर साइड जाता हूँ, जहाँ रोड साइड है, काफ़ी ज़बरदस्त है, गाड़ी के अंदर दिखाऊँगा मैं आपको। ये देखें बुर्ज खलीफा, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, और लाइटिंग की तो यहाँ की मशहूर है। जब यहाँ पर लाइट्स वगैरह या फिर किसी भी आर्टिस्ट की यहाँ पर तस्वीर दिखाई जाती है, जब पाकिस्तान का हो, इंडिया से हो या शाहरुख खान हो, उनकी जब तस्वीर यहाँ पर लगती है तो हर कोई देख रहा होता है। और ये सारी बिल्डिंग जो है रात में दूर दूर से नज़र आ रही होती हैं, इसलिए मैं अभी गाड़ी में आया हूँ और यहाँ से सारी बिल्डिंग नज़र आ रही है, आपको देख सकते हैं, और ज़बरदस्त लाइटिंग रखी हुई है। ये मैं बुर्ज खलीफा के बिल्कुल पास आ चुका हूँ, और यहाँ पे वाटरफॉल भी चल रहा है, और साथ ही साथ ये देखें बुर्ज खलीफा जो है सामने ही बिल्डिंग है। ये देखें कितनी खूबसूरत लाइटिंग है, यहीं पे जो है पिक्चर्स भी लगती हैं शाहरुख खान की या फिर पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है। ज़्यादातर 14 अगस्त पे इंडिपेंडेंट डेज के ऊपर जो है यहाँ पे फ्लैग बना हुआ आता है पाकिस्तान का, और फिर हर जगह वो शेयर हो रहा होता है, तो काफ़ी पीसफुल माहौल है। जब यहाँ पे आप खड़े होते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त सी फीलिंग आ रही होती है, अब जब यहाँ पर आप खड़े होंगे तो आपको जब भी एहसास होगा तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा था। आप ये सब देख सकते हैं कि सब वहीं पर देख रहे हैं, और साथ में हमारी फैमिली भी है, सब मामू साथ में खड़े हुए हैं बिल्कुल बुर्ज खलीफा के, और मैं पूरी फैमिली के साथ आया हुआ हूँ, और ये साथी हैं मेरे, और साथ में मेरा भाई भी है, और ये देखिए इस तरफ खड़ा हुआ है ये फराज है, और साथ में उनकी है छोटी फराज। ये देखो और जब आप यहाँ पे खड़े हुए होते हैं ना, तो जो पानी उछल रहा होता है तो उसकी जो बूंदें आपके ऊपर गिर रही होती है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा था, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। बिल्कुल आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए होते हैं तो ज़्यादा आप आगे जाने की कोशिश मत करें, यहीं पे खड़े होंगे तो ज़्यादा मज़ा आता है। पानी जब आपके ऊपर आता है, हल्का हल्का सा फुहार पड़ती है कि, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, सुकून सा मिलता है एक। तो हमें अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, 11:30 बज चुके हैं, और हम लोग अब यहाँ से निकलने वाली करेंगे, कल हम दूसरी जगह जाएंगे, और इसको ब्लू वाटर भी बोलते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी बड़ा है ये, तो कल मिलते हैं। तो सुबह का हम आगाज़ कर रहे हैं एक गार्डन से, एक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, यानी कि सबसे बड़ा पार्क कह सकते हैं, कुरानिक पार्क है ये, इस गार्डन का नाम है। और कुरान पाक के अंदर जितने भी जिक्र आए हैं दरख्त के, फूलों के और फल के, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जैतून है, जितने भी फल और यानी कि पौधों के नाम हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो काफ़ी बड़ा पार्क है, वो काफ़ी चल चल के हम लोग थक चुके हैं यहाँ पे, अभी हम थोड़ा और यहाँ पे थोड़ा घूम फिरेंगे और थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम यहाँ से निकलेंगे, एक मॉल में जाएंगे, इब्ने बतूता मॉल, तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ है। तो ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त सा पानी दिया हुआ है, और ये सिटिंग एरिया हर जगह दी हुई है कि आप। तो इब्ने बतूता मॉल हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि मुझे आज ही निकलना है। तो ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मुझे भी अपना सारा सामान वगैरह लेना है, तो व्लॉग तो अभी बनता रहेगा, और अभी हम यहाँ से जाएंगे सी साइड पर। तो भाई यहाँ पर तो हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी मट्टी उड़ रही है, ये तूफान आया हुआ है, जो रेत का जो तूफान होता है यहाँ पर, काफ़ी मट्टी वट्टी वगैरह उड़ रही है, लेकिन अब थोड़ी देर में सेट हो जाएगा सारा। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी सी साइड है पूरा, काफ़ी मज़े आते हैं यहाँ पे। तो ये वालदा है मेरी, और ये जो है दूसरा पार्क है फुजैरा बीच, और काफ़ी ज़बरदस्त है, अभी जब ये सूरज ढलता है तो काफ़ी ज़बरदस्त सा माहौल बन जाता है यहाँ पे, सब यहाँ पे अपनी जैसे सी व्यू पे, हॉक्स बे पे अपनी चादर बिछा के बैठ जाते हैं साहिल के पास।
तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए, तो काफ़ी भूख लग रही है। अलबेक का है, सऊदी अरब में काफ़ी मशहूर है, तो यहाँ पे दुबई में भी है, तो हमने यहाँ पे KFC वगैरह भी ले लिया है और पूरी फैमिली हम लोग खाना खा रहे हैं। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो मुझे काम है वहाँ पे थोड़ा सामान वगैरह लेना है, तो ये सब मैं लेते हुए, और ये आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रीट रहेगी, यहाँ से अपना काम वाम करके अब मुझे फ़ौरन निकलना है मेट्रो के लिए, और मेट्रो के बाद फिर मैं जाऊँगा क्या नाम है एयरपोर्ट, क्योंकि घर वाले तो यहीं पर रुकेंगे। मुझे जाना है क्योंकि मुझे ऑफ़िस भी जाना है अगले दिन से, तो अभी तकरीबन 2:30 बज चुके होंगे दोपहर के, और अब मेट्रो मुझे पहुंचना है। और एक मेट्रो में आ चुका हूँ, मेट्रो भी काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे, और अब जो है मैं एयरपोर्ट में आ चुका हूँ, टर्मिनल 3 के अंदर हूँ मैं, अब मरहबा लाउंज में, तो अब यहाँ से जहाज़ के अंदर बैठ चुके हैं हम लोग, और ये अब हम जो है कराची की हदूद में पहुँच चुके हैं, और दुबई का सारा सफ़र जो था मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं कराची की हदूद में आ चुका हूँ, ये देख सकते हैं नीचे कराची नज़र आ रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त रहा। तो दुबई के अंदर मेरे ऑलमोस्ट कोई 40 से 42 घंटे मेरे दुबई के अंदर गुजरे, तो कैसा लगा आप सबको? कभी मोबाइल चार्ज होता था, कभी नहीं होता था, तो काफ़ी मुश्किलों से वीडियो बनी हैगी, तो प्लीज़ मुझको लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, और वीलॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे बताएं, कौन सी लोकेशन आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। 24 आवर्स का चैलेंज कंप्लीट किया है, तो प्लीज़ लाइक तो बनता है।